बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए बेसन का मोहन थाल बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मोहन थाल गुजरात की स्पेशलिटी है, गुजरात की ये बहुत ही मशहूर मिठाई है। तो चलिए ये इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेना है बेसन। बेसन की करेक्ट जो मेजरमेंट है उसको हमने बहुत ज़्यादा उसका हमने ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे स्पून के साथ दबा कर भर कर लिया है। ये हमने 2 कप लेने हैं और हमने इसको छान लेना है। पहले मैंने 1 कप को छानना है। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब मैं दूसरा भी ले लूँगी। यहाँ पर देखें, बिल्कुल मैंने इसको दबा कर भर लिया है। जिस कप के साथ हमने बेसन को मेजर करना है उसी कप के साथ हमने शुगर और पानी और साथ में घी को भी मेजर करना है। अब हमने इस बेसन को दानेदार बनाना है। वैसे तो यहाँ पर मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है, ये देसी घी है। इसके अब हमने इसके अंदर डाल लेने हैं 3 टेबलस्पून, 2 और ये है 3 टेबलस्पून। घी को मैंने मेल्ट करके इसलिए डाला है कि हमें फिर करेक्ट जो मेजरमेंट है उसका हमें पता चलता है। जमा हुआ घी होगा तो उसकी जो मेजरमेंट है उसमें प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर दूध है मेरे पास, ये भी रूम टेम्परेचर पर है, ये गर्म नहीं है। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून ले लेना। हाथ को हमने हल्का रखते हुए इसको मिक्स कर लेना। इस तरह बेसन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो हम मोहन थाल जो है वो बना नहीं पा सकते। इसी तरह अब हमने 1 टेबलस्पून और डाल लेना। ज़्यादा टाइट करके हमने ऐसे आटे की तरह नहीं इसको गूंदना। अब ये लास्ट वाला टेबलस्पून जो है ना दूध का, इसको भी हमने डाल लेना। 3 टेबलस्पून ही हमें देसी घी के हमने डाले हैं, 3 ही हमने दूध के डाले हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों के साथ इसको ऐसे मसल लेना है ताकि जो हमने घी डाला है और दूध डाला है वो यकजान हो जाए इसके अंदर, हमारे बेसन के अंदर। इस तरह करने का मकसद ये है कि हमारा जो बेसन है वो मोटा हो जाए, कोर्स सा बन जाए। इसलिए हमें ये जो है ना दूध और इसके अंदर देसी घी डालकर तो फिर इसको जो है ना वो रखना भी पड़ता है ताकि अच्छे से बेसन इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले। बेसन की बर्फ़ी में और मोहन थाल के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये टोटली दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट मिठाइयाँ हैं ये। इस प्रोसेस को मोइन लगाना भी कहते हैं। अब हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब बेसन को रेस्ट आ गया, अब ये रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। छानने के लिए हमें इस तरह की कोई बारीक सी जो छन्नी है जिसके साथ हम आटा वगैरह छानते हैं वो नहीं हमने लेनी, क्योंकि उसका सुराख बहुत छोटा होगा और ये फिर से जो है ना वो बारीक बन जाएगा। हमने थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है तो उसके लिए हमें मोटी सुराखों वाली सीव लेनी है जिसके अंदर हम जैसे गंदम वगैरह छानते हैं। मेरे पास इस तरह की छन्नी थी, यहाँ पर देखें, इसके अंदर मैं चावल वगैरह भी जो है ना वो जब बॉइल्ड करती हूँ तो वो इसके अंदर छानती हूँ। तो मैं जब भी मोहन थाल बनाती हूँ तो इसी सिव को मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसको हमने ऐसे रख लेना, थोड़ा थोड़ा इसको डालते हुए 2 दफ़ा करके मैं डाल लूँगी और इसको अपने हाथ के साथ ऐसे इस छननी में से गुजारते जाना है। जो बड़ा लम्प्स आपको लगे उसको भी हमने ऐसे इसके अंदर से गुजार देना है, यहाँ तक के हमने ये सारा ही बेसन इसी तरह हमने गुजारना है। इसका छानना ही जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसको भी इसी तरह डाल लेंगे।
अब यहाँ पर मैं आपको क्लोज लुक करके दिखाती हूँ कितना अच्छा ये हमारा बेसन दानेदार जो है ना लम्स फ्री बन के रेडी हो गया, ये परफेक्ट बना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया, फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। आप चाहें तो आप नॉर्मल कढ़ाई के अंदर भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ऐड कर लेना है घी 1 कप, ये वही वाला मेजरिंग कप है जिसके साथ हमने बेसन को जो है ना मेजर किया था। ये हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हर चीज़ की जो मेजरमेंट है ना वो एक ही कप या एक ही गिलास या एक ही कटोरी के साथ हमने करनी है। घी हमारा गर्म हो गया, अब हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है ये जो बेसन हमने रेडी किया है। इसको ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम हमारा हाई पर ना हो, नहीं तो बेसन जो है वो मिनट में जल जाएगा और हमारी जो मिठाई है उसका सारा टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने बेसन को उतनी देर तक के लिए भूनना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो कलर है वो भी डार्क हो जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बेसन जो है हैवी सा लग रहा है, जब मैं इसको स्पून को चलाती हूँ तो ये थोड़ा सा हैवी है, फिर ये लाइट सा हो जाएगा और फ्लफ़ी सा भी हो जाएगा। हमने इसको भूनते जाना है, बेसन का भूनना ही जो है ना वो इस मिठाई का मेन पार्ट है, क्योंकि अगर हमने बेसन को थोड़ा सा भी जो है ना वो कच्चा रख लिया मोहन थाल के अंदर फिर हमें कच्चे बेसन की जो है ना वो स्मेल सी आती रहेगी। हमने पूरा ख्याल रखते हुए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनते जाना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये थोड़ा सा इस टाइम पर ड्राई सा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी जो है इसके अंदर और ऐड कर लूँ, नहीं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि घी ने खुद ही जो है ना वो रिलीज़ हो जाना है। अब यहाँ पर बेसन को मुझे भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब ये लाइट भी हो गया और काफ़ी जैसे एरी सा भी हो गया और इसके अंदर जैसे एक जाल सा भी बनना जो है ना वो शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हमने इसको भूनते ही जाना है। हाथ जो है मैंने बिल्कुल भी रोका नहीं, मैं मसलसल इसको चलाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर बेसन को भूनते हुए मुझे 12 मिनट हो गए हैं, कलर भी माशाल्लाह देखें इसका अब कितना अच्छा आ गया है। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है दूध, ये रूम टेम्परेचर पर मैंने दूध लिया है, ये 1/2 कप है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लेना। सारा एक ही दफ़ा हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी सा और एरी सा बने। इसके अंदर देखें कैसे झाग सी बन गई है, थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल लेना। हाथ नहीं हमने अभी इस स्टेज पर ज़रा भी रोकना, हाथ को हमने चलाते ही जाना है। थोड़ा सा और डाल लेंगे, बहुत जल्द ये सारे दूध को बेसन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। कलर देखें माशाल्लाह इसका कितना अच्छा आया है, कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, 1/2 कप हमने कम्प्लीटली इसके अंदर डाल लिया है। अब हमने इसको उतनी देर जो है ना भूनते जाना है कि अच्छे से फिर से इसके अंदर से घी जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है थोड़ा सा मेरे पास क्रश्ड की हुई इलायची थी, सब्ज़ इलायची, इसको हमने डाल लेना है। इलायची की खुशबू अच्छी नहीं लगती मिठाई में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और स्टिल हमने इसको चलाते जाना है क्योंकि इसके अंदर घी है और बहुत गर्म घी है, काफ़ी देर से हम इसको जो है ना वो भून रहे हैं, एकदम से अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये जल भी सकता है। अब हमने इसको साइड पर रख लेना है, उतनी देर हमने इसको अब ठंडा करना है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब हमने इस मोहन थाल की चाशनी तैयार करनी है, दोबारा से हमने पैन ले लिया है,
फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ऑन कर लेना है। यहाँ पर हमने लेना है 1 कप शुगर, और इसी कप के साथ हमने नाप कर 1 कप पानी का ले लेना है। अब यहाँ पर चाशनी को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। एक तार भी बनना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हम अभी इसको और पकाएंगे। अब इसको मैंने 1 मिनट तक के लिए और पका लिया है। प्लेट में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करने का आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह हमने इसके अंदर इसको डालकर देखना है थोड़ा सा कि ये पानी के अंदर बिल्कुल घुल गई है, डिसअपियर हो गई है। इसका मतलब है कि अभी ये जो है चाशनी हमारी रेडी नहीं हुई, हम अभी इसको और 30 से 40 सेकंड देंगे, क्योंकि अगर चाशनी पतली रह गई तो हमारी जो बर्फ़ी है वो हम अच्छे से उसको जमा नहीं पाएंगे। फिर से चेक करूँगी कि ये रेडी हो गई है। यहाँ पर देखें जेली सी बन गई है। इसका मतलब है हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है बंद। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये बहुत गर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें मोटी सी तार जो है ना वो बनना शुरू हो गई है। आपने भी इसी तरह चेक करके देखना है, तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इसी तरह की होनी चाहिए, तभी आपने फ्लेम को ऑफ करना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे ले लिए थे। इसको मैंने 1 टेबल स्पून पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। ये भी हमने चाशनी के अंदर ही ऐड कर लेना है। इसको डालने से एक तो हमारी बर्फ़ी के अंदर कलर अच्छा आ जाएगा, और दूसरा इसके अंदर अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है कि आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन नहीं करना बिल्कुल भी, फ्लेम हमारा ऑफ है। ये अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। अब हमने चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से सारी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हमने बेसन के अंदर ऐड करते जाना है। 2-3 दफ़ा करके हमने डालनी है, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बस ये ख्याल रहे कि बेसन हमारा रूम टेम्परेचर पर है और चाशनी हमारी गर्म है जो अभी अभी हमने रेडी की है। देखिए चाशनी को कितनी जल्दी जो हमारा बेसन है वो अब्सॉर्ब कर रहा है। ये जो बकाया भी चाशनी है इसको भी हमने इसी तरह डाल लेना। अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि आपका जो मिक्सचर है इस टाइम पर बहुत जो है ना वो पतला सा हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑन कर लेना है, 1-2 मिनट उसको पका लेना है। लेकिन मेरा बिल्कुल परफेक्ट रेशियो था, तो इसलिए मुझे फ्लेम को ज़रा भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली थी, ये मेरे पास बेकिंग ट्रे ही है। आप चाहें तो आप किसी भी जैसे थाल के अंदर या स्टेनलेस स्टील की किसी ट्रे के अंदर भी इसको जमा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जैसे ग्रीस प्रूफ पेपर बिछा दिया है। तो अब हमने क्या करना, इस हलवे को इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, बिल्कुल ये परफेक्ट बना है। स्मूथ कर लेना। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़े से पिस्ताशूज और बादाम हैं, इनको मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, डाल लेना है ऊपर। हल्का सा हमने इसको प्रेस कर लेना ताकि गार्निश जो हमने पिस्ता और बादाम को किया है वो इसके ऊपर जो है ना वो स्टिक हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसको इसी तरह पड़ा रहने दूंगी रूम टेम्परेचर पर, तो फिर हम इसकी टुकड़ियां काटेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी टुकड़ियां काट लेंगे।
बहुत आसानी से इसकी जो टुकड़ियां ना वो काट हो जाती हैं। इसकी टुकड़ियां बिल्कुल स्क्वायर सी ही होती हैं, जैसे नॉर्मल बर्फी की या फिर बेसन की बर्फी की। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट के अंदर इसको ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट मोहन थाल बन के तैयार हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जब बनाना है तो इंशाल्लाह ताला आपका भी मोहन थाल बन के इसी तरह तैयार होगा जिस तरह के आज मेरा हुआ है। खाने वाला और देखने वाला ये कह ही नहीं सकता कि ये हमने घर में तैयार किया है या हम मार्केट से लेकर आए हैं। थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें कितना ये माशाल्लाह प्यारा बना है, अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, कितना डेलिकेट सा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।